हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सिलिटी फिजियो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस अबाउट द ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। किसी भी ऑर्थोपेडिक केस में हम किस तरह से असेस करते हैं पेशेंट को, आज के इस लेक्चर में हम वही सीखने जा रहे हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर चल रहा था वो भी कंटिन्यू चलेगा। गोनियोमीटर का जो अगला लेक्चर आने वाला था हमारा, एल्बो ज्वाइंट एंड रेडियल ज्वाइंट के ऊपर में, वो भी रिकॉर्ड हो चुका है लेक्चर। इसके बाद मैं उसी लेक्चर को अपलोड करूंगा और उसमें प्रैक्टिकली भी मैंने सब कुछ बताया है। तो मेक श्योर कि आप वो लेक्चर जरूर जरूर देखें ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। सो कमिंग ऑन टूडेज लेक्चर, ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। सबसे पहले, असेसमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फिजियोथेरेपी के फील्ड में या फिर किसी भी मेडिकल फील्ड में। बिकॉज एक प्रॉपर और सही असेसमेंट के बाद ही आप एक प्रॉपर और सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे पहुंच सकते हैं। जब तक आपका असेसमेंट सही नहीं होगा, तब तक आप अपने फाइनल डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप अपने सही फाइनल डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच पाएंगे। और जब तक आपका फाइनल डायग्नोसिस सही नहीं होगा, देन आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सही हो ही नहीं सकता। तो असेसमेंट एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि हर एक डिपार्टमेंट, वो चाहे ऑर्थो हो, वो चाहे न्यूरो हो, पीडियाट्रिक्स हो, डर्मेटोलॉजी हो, गाइनिकोलॉजी हो, हर एक फील्ड में, हर एक डिपार्टमेंट में असेसमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ऑर्थोपेडिक असेसमेंट पर खास ध्यान देने जा रहे हैं कि ऑर्थोपेडिक केसेस में हम किस तरह से असेस करते हैं पेशेंट्स को। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। तो सबसे पहले ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के अंदर में हम पांच इंफॉर्मेशन सबसे पहले लेते हैं पेशेंट से। पेशेंट किस डेट को हमारे पास विजिट कर रहा है, पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, पेशेंट का जेंडर, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस। ये छह चीज सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं और इन छह चीजों को हम एक साथ कहते हैं डेमोग्राफिक डेटा। इस छह चीजों को हम एक साथ कहते हैं डेमोग्राफिक डेटा। अब ये डेमोग्राफिक डेटा लेना क्यों क्यों जरूरी है हमारे लिए, वन बाई वन समझते हैं। सबसे पहले एज और जेंडर। एज और जेंडर क्यों जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे डिजीज ऐसे भी होते हैं जो कि एज स्पेसिफिक हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ट्रिगर होने का चांस ज्यादा रहता है। एंड द सेम गोज विथ जेंडर ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो कि जेंडर स्पेसिफिक भी होते हैं, या तो वो फीमेल में बहुत ज्यादा कॉमन दिखेंगे या फिर वो मेल में बहुत ज्यादा कॉमन दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओस्टियोपोरोसिस मैक्सिमम बहुत कॉमन फीमेल्स में दिखता है, खासकर मीनोपॉज के बाद। तो कुछ इस तरह से हम एज और जेंडर से अपने फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचने में एक मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एज और जेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्यों जरूरी है, ऑक्यूपेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम जान सके कि हमारा पेशेंट का दिनचर्या क्या है, वो अपना काम किस तरह से करता है, क्या उसका दिन भर का सिटिंग वर्क है या फिर उसका कुछ फिजिकल एक्टिविटी होता है दिन भर में, ताकि हम उसे और सटीक डायग्नोसिस पे पहुंच सके। इसलिए ऑक्यूपेशन जानना बहुत जरूरी है पेशेंट का। देन एड्रेस। एड्रेस भी जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम जान सके कि उस पेशेंट जो है हमारा, उसका सराउंडिंग कैसा है, किस टाइप के सराउंडिंग में बढ़ा रहा है, उसका सोशल एक्सपोजर किस टाइप का है। तो इस सबसे भी हमें थोड़ा मदद मिलता है अपने डायग्नोसिस तक पहुंचने में। तो ये हमारा डेमोग्राफिक डेटा है। अब अगला जो है वो है हमारा चीफ कंप्लेंट, और ये चीफ कंप्लेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पेशेंट आपको अपना तकलीफ बताता है कि पेशेंट को क्या परेशानी हो रही है, पेशेंट वो बताता है, और आपको बिल्कुल पेशेंट के ही लैंग्वेज में उसे मेंशन करना है चीफ कंप्लेंट के अंदर में। अगर पेशेंट का ये शिकायत है कि उसके कमर में दर्द है और वो दर्द पैर में नीचे की तरफ रेडिएट हो रहा है, वो दर्द पैर तक जा रहा है, तो आपको बिल्कुल यही चीज यहाँ पर मेंशन करना है चीफ कंप्लेंट के अंदर, बिल्कुल पेशेंट के ही भाषा में। क्लियर, तो ये चीफ कंप्लेंट है। एंड आफ्टर टेकिंग द चीफ कंप्लेंट फ्रॉम द पेशेंट, देन वी विल मूव ऑन टू द हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेशेंट का लेना, और ये हर एक डिपार्टमेंट के असेसमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट के इवेल्युएशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होता है। वो चाहे हमारा ऑर्थोपेडिक का कंडीशन हो या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेना पेशेंट से। एक प्रॉपर हिस्ट्री हमें एक प्रॉपर और सटीक फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचाने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो हिस्ट्री में हमने हिस्ट्री को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला हमें प्रेजेंट हिस्ट्री, यानी कि अभी जो पेशेंट को तकलीफ हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल कमर में दर्द है, वो दर्द पैर तक जा रहा है, तो उस इस दर्द के बारे में पहले हमें जानना है कि जो अभी प्रेजेंट जो तकलीफ है पेशेंट को, ये कैसे आया। सबसे पहले तो मोड ऑफ ऑनसेट, यानी कि ये कैसे स्टार्ट हुआ पेशेंट के बॉडी में, ये तकलीफ पेशेंट के बॉडी में, ये दर्द कैसे स्टार्ट हुआ, उस दर्द के साथ साथ और भी कोई कठिनाई, और भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या पेशेंट को, वो दर्द कितने दिनों से है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी इंजुरी के कारण पेन हुआ है तो किस टाइप का इंजुरी था वो, कब इंजुरी हुआ,
वो कितने इंटेंसिटी का इंजुरी था, तो ये सब चीज हमारा प्रेजेंट हिस्ट्री के अंदर आएगा। क्लियर? आफ्टर प्रेजेंट हिस्ट्री द सेकंड वन इज पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री कहने का मतलब कि पेशेंट के पास्ट लाइफ में कोई किसी तरह का कोई मेडिकल कंडीशन था क्या। मेडिकल कंडीशन में जैसे क्या हो सकता है, अगर कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो कोई, या फिर कोई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हो, कोई रेस्पिरेशन से रिलेटेड रेस्पिरेशन डिसऑर्डर हो कोई, या फिर थायराइड का कोई परेशानी हो, हाइपोथायरायडिज्म हाइपरथायरायडिज्म हो, या फिर डायबिटीज मेलाइटस हो, किसी भी तरह का कोई मेडिकल कंडीशन पहले पास्ट में रहा है क्या पेशेंट का, ये हमें जानना है। और अगर कोई मेडिकल कंडीशन था तो उस समय पेशेंट ने कौन कौन सी दवाइयां ली थी, ठीक है, ये जानना है। और अगर पेशेंट अभी भी किसी मेडिकेशन पे है, अभी भी पेशेंट को कोई बीमारी है कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है, और कौन कौन से दवाइयां पेशेंट अभी ले रहे हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। देन उसके बाद पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ था या आरटीए, आरटीए मतलब होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, तो या कोई ट्रॉमा, कुछ ट्रॉमा हुआ था, या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, किसी भी तरह का कुछ एक्सीडेंटल केस था क्या पास्ट में कभी, या फिर इसके अलावा कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन था क्या, किसी भी पैथोजन का कोई इन्फेक्शन था क्या पेशेंट को कभी, जैसे टीबी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी पैथोलॉजिकल कंडीशन पेशेंट को पहले रह चुका है या नहीं, ये हमें जानना है और उसे मेंशन करना है। अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर किसी तरह का मेडिकल हिस्ट्री या ट्रॉमेटिक हिस्ट्री है तो हमें वो भी मेंशन करना है। देन फिर अगला हमारा आता है सर्जिकल हिस्ट्री। अब पास्ट हिस्ट्री के बाद जो हमारा सर्जिकल हिस्ट्री है, इसमें हमें ये जानना है पेशेंट से कि पेशेंट के लाइफ में पास्ट में कभी भी किसी तरह का सर्जरी हुआ है क्या, ठीक है, किसी तरह का सर्जरी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वहां पे कुछ लिखना नहीं है, अगर हुआ है तो सर्जरी हमें मेंशन करना है सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है, एनी सर्जरी इन द पास्ट। और इसके साथ साथ अगर सर्जरी हुआ है तो वो कौन सा सर्जरी था, वो कब हुआ था, ठीक है, वो कौन सा सर्जरी था और वो कब हुआ था, ये भी जानना बहुत जरूरी है हमें हमारे सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है। ये सब कुछ हमें एक सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर ले जाने का एक रास्ता है। अगर इस रास्ते पर चलते हैं तो यू विल हैव अ परफेक्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर द पेशेंट एंड योर पेशेंट विल रिकवर वेरी सुन। पर अगर आपका असेसमेंट ये रास्ता ही गलत है तो आप अपने गलत मंजिल तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो हमारा प्रेजेंट हिस्ट्री हुआ, पास्ट हिस्ट्री हुआ, सर्जिकल हिस्ट्री हुआ। आफ्टर द सर्जिकल हिस्ट्री हमें उसके बाद फैमिली हिस्ट्री लेना है पेशेंट का, किसी भी तरह का कोई हेरिडिटरी डिजीज है पेशेंट की फैमिली में या नहीं, वो हमें जानना है। देन फिर पर्सनल हिस्ट्री, यानी कि पेशेंट किसी भी तरह का ड्रग, सिगरेट या अल्कोहल के एडिक्शन में है, अभी है या पास्ट में भी रह चुका है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है ना कि पेशेंट पहले ड्रग एडिक्टेड था, अल्कोहल एडिक्टेड था, पर अभी नहीं है, तो ये भी जानना है कि पास्ट में क्या वो एडिक्टेड था अल्कोहल से, सिगरेट से, ड्रग से, या फिर अभी भी प्रेजेंट में है। दोनों केस में जानना है, दोनों केस में मेंशन भी करना है। अगर यस, अगर वो अभी प्रेजेंट में एडिक्टेड है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि अगर सिगरेट एडिक्टेड है, स्मोकर है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितना सिगरेट कंज्यूम करता है विदिन अ डे, कितना अल्कोहल कंज्यूम करता है विदिन अ डे, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें जानना है और उसे मेंशन करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का इतना हमें हिस्ट्री लेना है, क्लियर। इसके बाद एक और हिस्ट्री यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारा ये जो प्रेजेंट हिस्ट्री था, इस प्रेजेंट हिस्ट्री में बहुत चीज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट का हेडेक का प्रॉब्लम है, बोलता है कि सर मुझे सर दर्द करता है बहुत, तो उसमें फिर हमें बहुत सारा अलग अलग केस आ जाता है कि सर दर्द कब करता है, किस चीज से ट्रिगर होता है। बहुत सारे केसेस में जो हमारा हेडेक है, वो हेडेक सनलाइट के कारण ट्रिगर हो सकता है, शोर शराबा के कारण ट्रिगर हो सकता है, कहीं अगर भीड़ में पेशेंट है उस कारण ट्रिगर हो सकता है। तो ये किस कारण से ट्रिगर होता है, वही मैंने यहाँ पे मोड ऑफ ऑनसेट बताया था, किस कारण से ट्रिगर होता है और किस टाइप का हेडेक होता है, तो ये सब कुछ हमें प्रेजेंट हिस्ट्री में लेना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज द ऑन ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप अब पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे। पेशेंट से हिस्ट्री लेने के बाद आप पेशेंट को ऑब्जर्व करोगे और उसमें ऑब्जर्वेशन लिखोगे कि आपको पेशेंट में क्या दिख रहा है। सबसे पहला तो हमें गेट पैटर्न देखना है कि पेशेंट का गेट पैटर्न नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है तो किस टाइप का गेट पैटर्न है, हमें उस कंक्लूजन पे पहुंचना है।
देन उसके बाद क्या किसी तरह का बोनी डिफॉर्मिटी भी है प्रेजेंट पेशेंट के अंदर में, पेशेंट के बॉडी में? बोनी डिफॉर्मिटी जानना क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर कोई बोनी डिफॉर्मिटी रहेगा तो आप वहां पे अगर कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करा रहे हो तो हो सकता है कुछ फ्रैक्चर हो जाए या फिर कुछ किसी भी तरह का कुछ नया एक कंडीशन डेवलप हो जाए पेशेंट के अंदर में, इसलिए बोनी डिफॉर्मिटी जानना जरूरी है। और इसके बाद फिर स्कार्स प्रेजेंट है क्या पेशेंट के बॉडी में, स्कार है क्या, स्कार से हमें ये पता चल सकता है कि पास्ट में सर्जिकल हिस्ट्री कुछ रहा है या नहीं है। अगर पेशेंट नहीं बता पा रहा है सर्जिकल हिस्ट्री के बारे में, देन वी कैन नो इट फ्रॉम द स्कार्स। इसके बाद इडिमा है या नहीं पेशेंट के बॉडी में, हमें ऑब्जर्व करना है। देन जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशन पेशेंट का देखना है, इट इज पुअर, फेयर और गुड। ठीक है, ये तीन चीज हमें देखना है कि पेशेंट का ओवरऑल कंडीशन क्या है, वो पुअर है, फेयर एवरेज है या गुड कंडीशन है। ठीक, ये सब हमें मेंशन करना है। देन उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन एग्जामिनेशन। अब आप पेशेंट को एग्जामिन करोगे और देखोगे पेशेंट को कि अब पेशेंट में आपको क्या क्या एग्जामिनेशन के बाद फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स आपको दिख रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहला हमें टेंडरनेस चेक करना है। टेंडरनेस चेक करेंगे और यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे कि वो किस ग्रेड का टेंडरनेस है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेंडरनेस चेक करेंगे। स्पाज्म चेक करेंगे पेशेंट के बॉडी में कि क्या कोई मसल स्पाज्म दिख रहा है पेशेंट के बॉडी में, जो भी एरिया है जहां पर पेशेंट को पेन है वहां पर खासकर चेक करेंगे क्या कोई मसल स्पाज्म है। हो सकता है कि मसल स्पाज्म के कारण, कंप्रेशन के कारण वहां पर पेन डेवलप हो रहा हो। उसके बाद स्वेलिंग चेक करेंगे क्या कि क्या कोई स्वेलिंग भी है पेशेंट के बॉडी के अंदर। देन टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ स्किन। टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ स्किन क्यों जरूरी है? बिकॉज आप सभी ने इन्फ्लेमेशन पढ़ा होगा, तो इन्फ्लेमेशन का एक साइन होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। जहां पर इन्फ्लेमेशन होता है वहां का टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो अगर स्किन का टेम्परेचर वेरिएशन है, कहीं पर टेम्परेचर राइज कर रहा है, इट मीन्स वहां पे इन्फ्लेमेशन है। तो वहां पर हम ये चेक कर सकते हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन है या नहीं। अगला है स्वेलिंग, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, सॉरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्रेपिटस साउंड। किसी भी मूवमेंट कराने के दौरान क्या कोई क्रेपिटस साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर क्रेपिटस साउंड आ रहा है तो हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा उस ज्वाइंट का रेंज ऑफ मोशन या फिर पैसिव एक्सरसाइज, किसी भी तरह का एक्सरसाइज कराने के लिए। इसमें इसके फर्दर डायग्नोसिस के लिए हम एक्सरे पे जा सकते हैं, एक्सरे पर जा सकते हैं, ताकि हमें एक क्लियर कट ओवरव्यू मिल जाए उस पर्टिकुलर ज्वाइंट का कि वहां पर सब सही सलामत है या नहीं है। देन हम रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे। अब इस रेंज ऑफ मोशन में दो, हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन भी चेक करेंगे और साथ साथ पैसिव रेंज ऑफ मोशन भी चेक करेंगे पेशेंट का। ये दोनों रेंज ऑफ मोशन पेशेंट का हम चेक करेंगे और उसे मेंशन करेंगे। देन फिर हम कैप्सुलर पैटर्न देखेंगे कि कैप्सुलर पैटर्न नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, नॉर्मल है या नहीं है। देन फिर हम इनफिल चेक करेंगे। इनफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनफिल जनरली नॉर्मल तीन हमारा होता है। पहला बोन टू बोन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट इज बोन टू बोन, बोन टू बोन। दूसरा होता है हमारा सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन, सॉफ्ट टिश्यू एप्रोक्सीमेशन। और तीसरा होता है टिश्यू स्ट्रेच, टिश्यू स्ट्रेच। ये तीन नॉर्मल इंडफिल होता है। ये तीनों हमें कहाँ कहाँ दिखता है? तो देखिए, बोन टू बोन जो हमारा है ये एल्बो के एक्सटेंशन में हमें दिखेगा, एल्बो एक्सटेंशन में दिखेगा। और सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन हमें एल्बो फ्लेक्शन में दिख सकता है, एल्बो फ्लेक्शन में दिख सकता है। देन फिर हमें टिश्यू स्ट्रेच, ये शोल्डर ज्वाइंट के लगभग सारे मूवमेंट्स में हमें टिश्यू स्ट्रेच इनफील देखने को मिलेगा, टिश्यू स्ट्रेच। तो ये कुछ नॉर्मल इनफील है। तो हमें इनफील चेक करना है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब कुछ एबनॉर्मल इनफील के बारे में भी मैं बता दूं। एबनॉर्मल इनफील में सबसे पहले हमारा एक है जिसे हम कहते हैं इम्प्टी मसल स्पाज्म, इम्प्टी मसल स्पाज्म। अगला हमारा है इम्प्टी इनफील कहते हैं जिसे, इम्प्टी इनफील। देन हमारा हार्ड कैप्सुलर। तो इस तरह से बहुत सारे और भी बहुत सारे इनफील हैं, एबनॉर्मल इनफील हैं। अगर आप चाहते हैं इनफील के बारे में अच्छे से जानना तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा जिसमें मैं सारे इनफील के बारे में डिस्कशन कर दूंगा, एबनॉर्मल एंड एबनॉर्मल इनफील सभी के बारे में आपको बता दूंगा। क्लियर? तो हमें इनफील चेक करना है कि इनफील नॉर्मल है या एबनॉर्मल है पेशेंट का। देन आफ्टर इनफील हमें
एमएमटी चेक कर सकते हैं, हम एमएमटी चेक करना है मैनुअल मसल टेस्टिंग की, मसल का पावर क्या है, मसल पावर चेक कर सकते हैं। एमएमटी का बहुत बड़ा रोल है न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन में भी, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में भी। वहां पर खासकर स्ट्रोक वगैरह के केस में हम एमएमटी से बहुत अच्छे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे पहुंच सकते हैं मसल का पावर जानने के बाद। देन हमें मोटर और सेंसरी एग्जामिनेशन करना है। ये क्यों जरूरी है? हो सकता है, देखिए, अगर कोई फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर के कारण कुछ नर्व इंजुरी अगर हो जाए तो वहां पे हमें मोटर और सेंसरी एग्जामिनेशन करना जरूरी है, ये जानने के लिए कि क्या कोई नर्व इंजुरी है या फिर नहीं है। क्लियर? तो वो हमें मोटर और सेंसरी एग्जामिनेशन से अच्छे से पता चल सकता है। देन फिर अगला हमारा है गेट एनालिसिस। जो भी गेट वेरिएबल्स हैं, गेट वेरिएबल्स जैसे स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ, स्टेप ड्यूरेशन, स्ट्राइड ड्यूरेशन, हमारा कैडेंस है, फिर तो हमें ये सारे गेट वेरिएबल्स को देखना है, गेट वेरिएबल्स को चेक करना है कि ये नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, इनका डेटा क्या आ रहा है हमारे पास। क्लियर? और इसके बाद कुछ और भी चीज है, जैसे हम उसमें लूज पैक पोजीशन एंड क्लोज पैक पोजीशन ऑफ द पेशेंट, ये सब भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, क्या पेशेंट को डेली एक्टिविटीज करने में कोई कठिनाई आ रही है या नहीं आ रही है, वो सब चेक कर सकते हैं। इन सभी एग्जामिनेशन के बाद हम फिर आते हैं अगले टॉपिक पर, अगले पॉइंट पर, दैट इज द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जैसे एक्सरे करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। अच्छा हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि इस ऑन एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में कुछ पॉइंट छूट गया है, मैं वो यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिए, हम इस ऑन एग्जामिनेशन वाले में जो हम पर्टिकुलर टेस्ट वगैरह होता है वो टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास लैचमैन टेस्ट है, लैचमैन टेस्ट है, मैकमरे टेस्ट है, हमारे पास एप्लेग्रिंट टेस्ट है। तो ये सब कुछ हमारे पास जो पर्टिकुलर टेस्ट हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए, वो ACL के लिए हो, PCL के लिए हो, मेनिस्कस इंजरी के लिए हो, तो ये सारे टेस्ट भी ऑन एग्जामिनेशन सेक्शन में ही हम करेंगे और वो मेंशन करेंगे कि वो टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव आ रहा है। जैसे लैचमन टेस्ट अगर कर रहे हैं तो लैचमन टेस्ट करेंगे और फिर हम उसे चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है पेशेंट में, एंड देन वी विल राइट इट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया था मेरे से ऑन एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में। इस एग्जामिनेशन के बाद देन फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने इन्वेस्टिगेशन पे। इस इन्वेस्टिगेशन में हम क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं या फिर किसी भी तरह को कोई पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना है वो भी करा सकते हैं इस इन्वेस्टिगेशन वाले सेक्शन में। देन फिर हमारा आता है लास्टली फाइनल डायग्नोसिस। अब इतना सारा जो कहानी चला है अभी तक, शुरू से फ्रॉम डेमोग्राफिक डेटा टू इन्वेस्टिगेशन, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, जो भी आप समझ पा रहे हैं कि इस सभी का लिंक इस पर्टिकुलर डिजीज से, इस पर्टिकुलर बीमारी से हो सकता है, आप श्योर हैं उस बारे में, तो ये आपका फाइनल डायग्नोसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड द डेमोग्राफिक डेटा। हर एक चीज को ध्यान में रखकर हमें फाइनल डायग्नोसिस पे आना है। ठीक है, फाइनल फाइनल डायग्नोसिस मेंशन करने के बाद अब आता है हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अब इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी हमें डिसाइड करना है शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। क्लियर? तो शॉर्ट टर्म गोल क्या हमारा है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है पेशेंट के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, हमें वो यहाँ पे ध्यान में रखना है और उसी अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ साथ एक बात का खास ख्याल रखना है कि इसमें होम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो भी यहाँ पे मेंशन करना है, होम एक्सरसाइजेस भी बताना है पेशेंट को ताकि वो घर पे भी एक्सरसाइज करे ताकि पेशेंट जल्दी से रिकवर हो सके। ठीक है, तो दिस वाज द ऑर्थोपेडिक असेसमेंट। अगर इस पूरे के पूरे ऑर्थोपेडिक असेसमेंट में किसी भी तरह का कोई भी कठिनाई आपको महसूस हो रहा है तो बेशक पूछिए मेरे से, कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, आई विल रिप्लाई यू ऑल। जो भी डाउट होगा मैं कोशिश करूंगा सभी के कठिनाइयों को हल करने का। और इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मैं बता दे रहा हूँ, एक तो हमारा गेट साइकिल, एक हमारा गेट पैटर्न हो गया, देन फिर दूसरा हमारा एक मिनट, हाँ दूसरा हमारा एक MMT हो गया, इंड फील हो गया, देन फिर हमारा और तो कुछ नहीं बचा, और ये गेट एनालिसिस, गेट साइकिल। अगर इन सभी टॉपिक्स पे कुछ भी दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, आई विल श्योरली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑल टॉपिक्स, अगर कोई कठिनाई होती तो। अगर कोई कठिनाई नहीं है तो
बहुत अच्छा, तब तो कोई जरूरत ही नहीं मेरे को वीडियो बनाने का। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले जो अगला लेक्चर आएगा वो हमारा गोनी मटर का लेक्चर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेक श्योर कि आप वो लेक्चर जरूर देखें, ताकि आपका जो भी डाउट है प्रैक्टिकल यूज से रिलेटेड वो अच्छे से क्लियर हो सके आपका सारा डाउट, क्योंकि मैं उसमें प्रैक्टिकली भी गोनी मीटर से मेजर करके आप सभी को दिखाऊंगा। और उस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ मोशन मेजरमेंट थ्रू गोनी मीटर ऑफ द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एल्बो ज्वाइंट एंड प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ द रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ओके सो, और हाँ एक और बात, लास्ट 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 बस, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है ये पूरा का पूरा स्लाइड आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट इजिली। वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, जो भी यहाँ पे ये चार्ट मैंने दिया है। या फिर अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए होगा तो मैं वो भी अवेलेबल करा दूंगा, आप बता दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।